हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। मिसल महाराष्ट्र की पॉपुलर और फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। मिसल बनाने के लिए स्पेशल मसाले का इस्तेमाल किया जाता है और उसी मसाले की वजह से मिसल बेहद ही स्वादिष्ट बनती है। बस वही मिसल का मसाला आज हम बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है, तो उसके लिए गैस पर मैंने ये नॉनस्टिक तवा रख दिया है। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और हम सबसे पहले इन मिर्चियों को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 12 सूखी लाल तीखी मिर्च, 3 काश्मीरी मिर्च और 2 बेड़गी मिर्च लिए है। अब इन सारी मिर्चियों को हम तवे पर रख देते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए गरम करेंगे। मिर्चियों को हमें रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ गरम करना है। मिर्ची अगर ज्यादा रोस्ट हो गई तो मिर्ची का टेस्ट बदल जाता है, इसलिए सिर्फ मिर्चियों के गरम होने तक चलाते रहें। वैसे अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो तीखी वाली मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मिर्चियां अब अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गैस को बंद ही रखेंगे और तवे पर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच खसखस, 1 इंच सौंठ का टुकड़ा, आधा चम्मच सौंफ, 12 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 20 काली मिर्च के दाने। अब गैस को ऑन कर देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए स्लो फ्लेम पर मसालों को रोस्ट करेंगे। जब ये मसाले रोस्ट होने लगेंगे, इसे तड़तर की आवाज और खुशबू आने लगेगी। इन मसालों को हमें जलने नहीं देना है, हल्का रोस्ट करना है। अगर मसाला जरा भी जल जाएगा तो मिसल मसाले का टेस्ट बदल जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारे मसाले धीरे धीरे रोस्ट होने लगे हैं। तिल और खसखस का जो रंग है वो हल्का बदला हुआ नजर आएगा, यानी गुलाबी रंग की दिखाई देने लगेंगे। तभी ये पता चल जाएगा कि मसाले हल्के रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह नजर आएंगे, यानी अब ये रोस्ट हो चुका है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फिर से तवे को रख देते हैं गैस पर और तवे पर 1 कटोरी यानी 50 ग्राम सूखे नारियल के टुकड़े डाल लेते हैं। अब नारियल को भी स्लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। नारियल को हमें हल्का सुनहरे रंग का होने तक रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि नारियल धीरे धीरे हल्के सुनहरे रंग का दिखाई देने लगा है, तो और थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। नारियल भी रोस्ट हो चुका है, तो इसे भी मसाले वाली प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। अभी हमें किसी भी चीज को मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इस प्याज के भी हमें लंबे पतले स्लाइस करना है। तो लीजिए, प्याज के स्लाइस तैयार है, तो इसे भी तवे पर डाल लेते हैं। अब प्याज में हम 1 चम्मच तेल इस तरह घुमाकर डाल लेते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर प्याज को भी रोस्ट कर लेते हैं। प्याज को हमें सुनहरे रंग का होने तक भूनना है, पर बीच बीच में चलाते रहे, जिससे प्याज हर तरफ से अच्छे से रोस्ट पाएगा। तो जब तक प्याज रोस्ट हो रहा है, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन पर भूले बिना जरूर प्रेस करें। वैसे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सारिकास कुकिंग डायरी पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज सुनहरे रंग का हो चुका है, तो प्याज को उसी प्लेट में साइड में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 9 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के छोटे टुकड़े करके लिए हैं। इन्हें हमें तवे पर डालकर स्लो फ्लेम पर गर्म कर लेते हैं। इन्हें हमें ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से गरम कर लेना है। लहसुन और अदरक गरम हो चुके हैं, तो प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे रोस्ट किए हुए मसाले। इस तरह मैंने इन्हें प्लेट में अलग अलग रखा है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ठंडा होने देना है, उसी के बाद हमें इन्हें बारी बारी से पीसना है। अब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो मिक्सर जार ले लेते हैं। अब इस जार में हम सबसे पहले खड़े मसाले डाल लेते हैं और उसी के साथ लेंगे मिर्चियां। अब इसे बारीक पीस लेते हैं।
ये देखिए इतना बारीक पीसना है। अब प्याज, अदरक लहसुन, नारियल और एक चम्मच नमक डालकर फिर से मसाले को बारीक होने तक पीसेंगे। ये देखिए मैंने मसाले को बारीक पीस लिया है। अभी फिलहाल मैं आपको इस मसाले को एक प्लेट में निकालकर दिखा देती हूँ। इस तैयार मसाले को एयर टाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने तक रख सकते हैं। वैसे तो ये मसाला बाहर भी अच्छा रह सकता है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखें तो ज्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे इस मिसल मसाले के साथ घर पर टेस्टी मिसल बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप भी इस मसाले को जरूर ट्राई करें और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।